सर पे लैपटॉप लगा लेके बैठा। अगले दिन सुबह 8 बजे पहुंचा मैं कैनरा, चलते चलते और पानी यहां तक थी कमर तक। बात यह है कि ऐसे आज दृश्य आपको हर जगह मिलेंगे। आज चेन्नई देखिए आप, बैंगलोर देखिए, उसमें भी हुआ था। पटना में तो आज हमारे बीजेपी के मित्र यहां बहुत हमारे टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि हैदराबाद में तो आप वेनिस कर दिए, इसको ये कर दिए, वो कर दिए। ठीक है भाई, पटना में तो आपका सुशील मोदी साहब थे, उसको भी उनको भी वोट में बचा के लाना पड़ा उनको भी। तो आप कहां ठीक है हमसे, ऐसा थोड़ी कि यहीं पे गड़बड़े, बाकी सब दुनिया एकदम सुंदर है और साफ सुथरा, ऐसा नहीं है। इंडिया में मैं तो आज दावे के साथ कह सकता हूं, सवाल कर सकता हूं, इंडिया में आज हैदराबाद से बेहतर सिटी कोई है ही नहीं। आप दिखाओ मुझे, चाहे। और मैं हमारे दोस्तों के साथ भी कहते रहता हूं, मेरे स्कूल के दोस्त है, मेरी टांग खींचते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि, और मैं बोलते रहते हैं यार तू मिनिस्टर है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं उनको बोलते रहता हूं, एक काम कर, तू बैंगलोर जाके 2 दिन रुक के आ, ट्रैफिक का फिर तेरे को पता चलेगा वहां क्या है यहां क्या है। और तू जाके बॉम्बे में 2 दिन रह के आ, फिर चेन्नई जा, फिर जाके दिल्ली जा, फिर वापिस आ हैदराबाद, तब तू जाके हैदराबाद को फिर अप्रिशिएट करेगा। हम लोग जो है, जो लोग हैदराबाद में यहां पले बड़े हैं, वी टेंड टू टेक आवर सिटी फॉर ग्रांटेड कि भाई ये तो है, हाँ है, बट वी आर बेटर। दैट इज वाई मैं सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो TSI पास है। मैं बोल रहा हूं कि मर्सर जो एजेंसी है, जो सिटीज को लिवेबिलिटी इंडेक्स पे रैंकिंग देती है, अगर वो 5 साल 2015 से लेकर 20 तक ये कहती है कि इंडिया में बेस्ट क्वालिटी ऑफ लिविंग अगर हैदराबाद में है, तो वो तो मेरी सर्टिफिकेट तो नहीं है, उनकी सर्टिफिकेट है। आज मोदी साहब की गवर्नमेंट है, मोदी साहब की गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया हमें कि भाई स्वच्छ सर्वेक्षण में अब बॉम्बे से बेहतर हो, दिल्ली से बेहतर हो, कोलकाता से बेहतर हो, बैंगलोर से बेहतर हो, पुणे से बेहतर हो, उनकी अहमदाबाद से हम बेहतर हैं। तो 19वां रैंक है पूरे देश में। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग अव्वल नंबर पे हैं, बट ये जरूर कहूंगा कि मैं बाकी मेट्रो से बेहतर है हम लोग। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि ऐसा नहीं है कि मैंने सारा काम कर दिया इसलिए मुझे वोट दो। काम तो कुछ किया मैंने, अच्छा शुरुआत हमने किया और आगे भी ले जाएंगे। अधूरा है काम, कई कई सारे जगह अधूरा है, उसको भी आगे ले जाएंगे। रोड्स हैं और इंप्रूवमेंट हो सकती है। सैनिटेशन में भी आपको बताना होगा, हमारे आने से पहले 2014 में हर दिन हैदराबाद में से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट खोड़ा जो है 3500 टन का निकलता था हर दिन। हमारे आने के बाद CM साहब ने एक स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम चालू किया और जिसमें हमने 2500 स्वच्छ ऑटो हमने लगाया और फिर एफिशिएंसी हमने बढ़ाया, उसके वजह से आज 6000 टन का आज खोड़ा निकलता है हैदराबाद से। लोगों की चिंता की बढ़ने से या वेस्ट इंक्रीज होने से नहीं बढ़ा ये नंबर, एफिशिएंसी इंप्रूव हुई कलेक्शन की। आज अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद में जो कटोरा गाड़ी आपको दिखेगा, 2 डंपर बिन लगा लेके जाते रहता है वो जवाहर नगर, उसको भी हमने हटाया, 55 हमने हटाया, 100 गाड़ी और हटानी है। मॉडर्न हमने गाड़ी लाया पूरा। आज अगर ग्लोबल सिटी में अगर कहीं भी आप देखेंगे तो क्लोज कंटेन्ड स्पेस में ले जाते हैं खोड़ा आप डंप यार्ड को, वैसे ही गाड़ी हमने 55 तो चालू कर दिया, एक 20 दिन पहले हमने उनका फ्लैग ऑफ किया था। बाकी भी जो 100 आने हैं वो भी संक्रांति तक आ जाएंगे और जरूर आप देखेंगे कि हैदराबाद में वो पुराने वाले खटारा आपको नहीं देखने दूंगा मैं, क्योंकि वो मेरे लिए, ये तो मेरी सिटी भी है। और हम इंडिया में सेकेंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी हमने चालू कर दिया जवाहर नगर में। आज जो यहां से वेस्ट जाती है सॉलिड वेस्ट जाके वहां पे सेग्रीगेट होती है, वेट वेस्ट जो है जिससे हम लोग आज यूरिया और अपना मैन्यूर बनाते हैं जिसको फिर फार्मर को देते हैं, और जो वेट ड्राई वेस्ट है उसको हम लोग जला के इंसिनरेट करके एनर्जी उससे हम लोग आज कन्वर्ट करते हैं। 20 मेगावाट वाला प्लांट चालू हो चुका है, रामकी वहां पे चालू कर दी है जवाहर नगर में, और 28 मेगावाट का हमने उसका फाउंडेशन भी हमने कर दिया। इसके अलावा जवाहर नगर के अलावा 2 और डंप यार्ड का भी जगह ले लिया हमने प्यारी नगर में और लगदारम में, वहां पे भी 2 और अल्टरनेट डंप यार्ड होंगे, और 15 और मेगावाट का भी हम एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट करेंगे। अल्टीमेटली 63 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम वेस्ट एंड वी विल इंश्योर दैट हैदराबाद विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम विद म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लाइक दिल्ली और अदर सिटीज वेयर यू सी दिस हैपनिंग। लाइकवाइज लिक्विड वेस्ट, इफ यू लुक एट इट, आउट ऑफ द 2000 MLD ऑफ लिक्विड वेस्ट दैट गेट्स जनरेटेड इन हैदराबाद टुडे, वी ट्रीट 41% ऑफ इट, 770 MLD इज करंटली ट्रीटेड, बट बाकी ट्रीट करना है, जैसे आपका कुकटपल्ली नाला है, बाकी नालाज है, ट्रीटमेंट करनी है। हमारी नेक्स्ट एजेंडा यही रहेगी कि लेक्स, ड्रेन्स एंड मूसी, इसको आगे 2-3 साल में
ब्यूटिफाई करके, इसको प्यूरिफाई करके, ट्रीटमेंट करके, एक लिक्विड वेस्ट पे, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे, सीवरेज वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और हमारी ड्रेनेज सिस्टम इसको इम्प्रूव करेंगे, ये मेरी वादा है आपसे, बिकॉज दैट्स माई कमिटमेंट टू हैदराबाद, वी टेकिंग केयर ऑफ सम बेसिक सेक्टर्स. नाउ दिस वन रिमेन्स अ बिग चैलेंज एंड सिंस द रेन्स हैव कम एंड सिंस दे हैव शोन अस द इनएडिक्वेसीज इन द एग्जिस्टिंग स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, आई एश्योर यू दिस विल बी अ प्रायोरिटी फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. बट वन थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आज अगर आप लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे, हैदराबाद में पिछले 6 साल में एक भी दिन, एक मिनट के लिए भी आपको कर्फ्यू या कोई टेंशन की जरूरत नहीं पड़ी. आप आराम से आपका धंधा कर रहे थे, पावर था, लोग आ रहे थे, काम कर रहे थे, यूनियनबाजी भी नहीं है यहाँ पे ज्यादा, यूनियन की तरफ से भी डिस्टर्बेंस जैसा केरला में, बंगाल में होता है, वो वाला हालचाल भी नहीं है यहाँ पे. ऐसी कोई लेबर यूनियन, फैक्ट्री वर्कर्स डिस्टर्ब करें, स्ट्राइक पे जाएं या बंद कर दें, लॉकआउट कर दें, ऐसी कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है, सब ठीक चल रहा है. मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आज जो गवर्नमेंट काम कर रही है, आज जो गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, इसको आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हमारे खिलाफ जो लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, उनको भी अगर डेवलपमेंट एजेंडा पे अगर हमारे साथ मुकाबला करना है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं. वो अगर कहें कि आप भाई आपने 65,000 या कुछ करोड़ अपना आपने रुपया खर्च किया पिछले 5-6 साल में, मैं उससे दुगना करूंगा, तो कोई बात नहीं. बट एजेंडा देखिए, हमारे खिलाफ जो लड़ रहे हैं, एजेंडा उनका क्या है? वो बोलते हैं, यहां के जो हमारे बीजेपी के मित्र हैं वो कहते हैं कि ये देशद्रोहियों के और देशभक्तों के बीच में फूटी है, कंपटीशन है. मैं बोला, देशद्रोही और देशभक्ति? मैं कहां देशभक्त नहीं हूं यार, मैंने क्या किया? वो बोलता है कि अकबर, बिन लाडन, बाबर और हमारे खिलाफ. मैं बोला, ये अकबर कौन है, बाबर कौन है, बिन लाडन कौन है, मेरे को क्या वास्ता है? वो हैदराबाद का वोटर भी नहीं है उन्होंने, वो कहां से आ गया इसमें? मतलब रेटोरिक सेट करके कुछ भी बोलेंगे क्या? अगर आपका मुखालिफत, आपका मुकाबला, आपका झगड़ा अगर MIM के साथ है तो लड़ो यार, मैं कहां रोक रहा हूं, लड़ो, जितना लड़ना है लड़ो, भिड़ जाओ. पर एक बात तो पक्का है, लड़ लो, कुछ भी करो, पर अगर आप एक दूसरे के झगड़े में हैदराबाद को खराब करेंगे तो बिल्कुल ही हमारे लिए मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है. एक आदमी बोलता है अकबर ओवैसी कि मैं NTR समाधि और PV नरसिम्हा राव समाधि उखाड़ दूंगा. दूसरा बोलता है, मैं तेरा ऑफिस आके गिरा दूंगा. ये गिराने वाली बात ही होती रहेंगी क्या? नया बनाने का कुछ नहीं करेंगे आप? यही एजेंडा है आपका? मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ये कहां की रीत है? 2020 है, ये क्या बदनसीबी है कि हम लोग ये फिर वही सुनना पड़ रहा है? ये पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं है भाई, बल्दिया है. आप ये बात करो कि रोड क्या है, पार्क क्या है, आपका ब्रिज कहां बनाओगे, कलवर्ट कहां है, हमारे बच्चे लाइट नहीं जल रहा है या कुछ और है, आप उस बात पे चर्चा करो. वो नहीं करेंगे. मैंने पूछा बार बार, एक ही सेंट्रल मिनिस्टर है तेलंगाना से, किशन रेड्डी साहब, तो मैंने उनसे भी पूछा, भाई एक बात बताओ, मैंने ये बुक छापा है कि मैंने पिछले 6 साल, जैसे आपके बच्चे दिखाते हैं ना आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, तो मैं भी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बना दिया आपने. मैं बोला, यार देख लो, मैंने जो काम किया मैंने तो इसमें डाल दिया, किस सेक्टर में कितना पैसा लगाया मैं आपके सामने रख रहा हूं ट्रांसपेरेंटली, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट को जिम्मेदार होना चाहिए, इसलिए मैंने जिम्मेदारी के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट दे दिया. बोला कि भाई मैंने इतना किया. मैं किशन रेड्डी साहब से कहा कि भाई एक काम करो, आप बताओ पिछले 6 साल में आपने किया क्या हैदराबाद के लिए, एक पैसे का काम बताओ मुझे, एक रुपये का कहीं भी बता दो. नहीं तैयार हो, बोलते हैं उसके ऊपर, मैं अगर पूछता हूं तो उनको ठीक नहीं लगता है, बोलते हैं कि भाई तुमने जो भी किया उसमें मेरा भी हिस्सा है. मैंने देखा ठीक है यार, तो अगर मेरा आपका हिस्सा है तो देखते हैं, चलो निकालो. तो निकाला हमने, हिसाब किताब किया, पिछले 6 साल में हैदराबाद और तेलंगाना की जनता ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्सेस में, हम सब ने, इनकम टैक्स हो, GST हो, CST हो, एक्साइज ड्यूटी हो, हमने दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2,72,000 करोड़ रुपया टैक्सेस में. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि फेडरल रिपब्लिक है, हर राज्य को वो लोग भी पैसा देना है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली देना पड़ता है, फाइनेंस कमीशन बोलती है कि दो तो देना पड़ता है. उन्होंने दिया 1,40,000 करोड़ पिछले 6 साल, दिया हमने 2,72,000 करोड़, वापिस आया 1,40,000 करोड़.
अब हमारे अमित शाह साहब आते हैं यहाँ पे, बोलते हैं कि हमने तेलंगाना को 1,00,000 करोड़ दिया। मैं बोलता हूं यार ये कहां की रीत है, मैंने दिया रुपया, आप दिए अठाना, फिर आके बोलते हैं कि मैंने तुमको ज्यादा कुछ दे दिया, ये कहां की रीत है। अगर आप मेरे से 2,72,00 लेके अगर आप उसके ऊपर 1,00,000 देते तो मैं बोलता हां अमित शाह साहब सही बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, आपने कुछ किया। ये कहां की रीत है कि गलत है ना ये तो। और दूसरी बात, मैं जानता हूं, मैं ये नहीं मांग रहा हूं कि मैं अगर 2,72,00 देता हूं आपको तो मुझे वापस 2,72,00 दो। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। आई एम अ प्राउड इंडियन। आई नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू टेक केयर ऑफ बॉर्डर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी फोर्सेस। मैं जानता हूं, आई एम अ फुली अवेयर इंडिविजुअल, आई एम अ प्राउड इंडियन। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, आप सच सच बोलो, हैदराबाद आ रहे हो आप, हैदराबाद अगर आओगे तो आप सच सच बोलो कि आपने क्या किया। ऐसा ना को पोज मारो कि यहां के आके नहीं 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 हम आपको जो देना था उसे ज्यादा दे दिए, मेहरबानी कर दी आपके ऊपर, ये नको बोलो। अगर लेन देन की बात होती है तो हमने आपको दिया, आपने कहां दिया हमें। आज हमारा पैसा अगर आपके बीमारू राज्यों में खर्च हो रहा है तो हमारा तेलंगाना जनता का पैसा है। आज अगर 1,30,000 करोड़ जो घाटा हमें पड़ा आप खर्च कर रहे हो नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, करो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट यहां पे आके फिर पोज मारना कि हमने कुछ दे दिया आपको, ये गलत है। मेरी इतराज इस बात से, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च कर रही है। मैं जानता हूं जैसे हैदराबाद में अगर आज पैसा यहां से मिलता है राज्य सरकार को तो पूरा का पूरा पैसा हैदराबाद में थोड़ी लगाएंगे, पिछड़ा जो इलाका है डिस्ट्रिक्ट है हम भी वहीं पे लगाते हैं। बट अगर मैं जाके बोलूंगा पिछड़ा इलाका कोई जिला है, मेरा सिलसिला है, वहां जाके बोलूंगा कि भाई मैंने तुम्हें इतना दे दिया, हैदराबाद में आके बोलूं कि इतना दे दिया, ये गलत है। ये जो लेने वाले देने वाले एटीट्यूड है इससे मुझे दिक्कत है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, आप एक बार सोचें, अगर आज आप मुझसे कहें कि आपने किया क्या 6 सालों में, मैं आपको ये बुक दिखा दूंगा, बोलूंगा कि भाई मैंने ये सब कुछ किया, मैंने मेट्रो चालू करवा दिया, मैंने मेट्रो में पैसा लगाया, मैंने रोड वाइडन करवाया, मैं नया रोड बनवा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, पानी का सहूलत बेटर किया हूं, बिजली का सहूलत बेटर किया हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वोटिंग करने से पहले ब्लाइंडली मत जाइए, ब्लाइंडली जाके फिर मैं इसको वोट दूंगा क्योंकि ये इससे नफरत करता है, ये कहां की एजेंडा है, ये कहां की रीत है। मेरी रिक्वेस्ट है कि मोदी साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास में तो सबको होना चाहिए। गलत है कि एक मजहब को, एक ख्वाम को एक नेगेटिव एंगल में दिखा के उस पर वोट पूछना, वो भी लोकल बॉडी इलेक्शन में, ये कहां की रीत है। हैदराबाद इलेक्शन है यार, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट इलेक्शन में पूछो, असेंबली इलेक्शन में बात करो, चर्चा करते हैं, बट लोकल बॉडी इलेक्शन में आके कैंपेन करें कोई बात नहीं। और दूसरी बात, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 2014 में मोदी साहब आए थे, उन्होंने भी वादा किया था देश को आगे ले जाने की, कुछ काम किए हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल कुछ नहीं किए हैं, किए हैं कुछ, पर मैं आपको सोचने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं। उन्होंने कहा कोरोना के टाइम पे कि 20,00,000 करोड़ की पैकेज दे रहे हैं। मैं इस रूम में जितने भी हमारे बिजनेस भाई है, बिजनेसमैन, पूछना चाहता हूं यहां पे कौन ऐसे आदमी है, कौन ऐसे कंपनी है जिसको ये 20,00,000 करोड़ से फायदा मिला, कोई है? मैं 15 दिन से पूछ रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, एक मैग्नीफाइंग लेंस लेके घूम रहा हूं कि यार कहां गया ये पैसा। मैं क्या कह रहा हूं, बात करके छोड़ देना, अधूरा छोड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। 20,00,000 करोड़ का पैकेज कहां गया, हिंदुस्तान में किसको मिला? आने से पहले मैंने रवि प्रसाद जी से बात किया, मैंने कहा यार पूछो फिर हमारे किसी को फायदा मिला, बोले मेरा जहां तक अंडरस्टैंडिंग है मुझे तो नहीं पता। फिर मैंने पूछा उनसे थोड़ा मैथ करके बताओ, अगर 20,00,000 करोड़ का 132 करोड़ जो आबादी है हमारी डिवाइड करो तो कितना मिलना चाहिए एक एक आदमी को, बोले 15,384 रुपीज मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डाल दो अकाउंट में, आपने कहा था, याद दिला रहा हूं आपको, जनधन खोलो मैं 15,00,000 दे देता हूं, बोले क्या हुआ, फिर बाद में बोले जुमला है। मैं क्या कह रहा हूं, जुमले पे जुमला जुमला, आप याद कीजिए डिमोनेटाइजेशन किए थे, क्या कहा उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के बारे में, कहा क्या उन्होंने, ब्लैक मनी लाएंगे स्विट्जरलैंड से लाएंगे, लाए 6 साल हो गए। आप जरा सोचिए, मैं मोदी साहब की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं सीधी पॉइंट पे आ रहा हूं, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से इकोनॉमी का फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, आप सोचिए, मैं नहीं बोलूंगा। सीधा 8 quarters ऑफ स्लो डाउन हैज लैंडेड इन अ लॉकडाउन विच इज नाउ लेड टू अ रिसेशन, उस पर कोरोना आके पड़ी, फिर रिसेशन में आ गए हम लोग।
आज इस देश में उद्योगपति जितने भी हैं, आप खुश हैं ना खुश हैं, आप सोच लो किसके वजह से हुआ है, आप ही सोचो। जो देश भाग रही थी, आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है 2024 तक, कैसे होगी? 8 क्वार्टर स्लो डाउन होगा जीडीपी का, और जीडीपी का ग्रोथ रेट अगर आज हम लोग बांग्लादेश और श्रीलंका के नीचे जाएंगे तो कैसे होगा ग्रोथ रेट, कैसे होगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? बातों से थोड़ी होता है। अगर बातों से होता तो मैं भी बना देता 4-5 और 4 मीनार, ऐसा थोड़ी होता है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि सोचिए, इस गवर्नमेंट जो तेलंगाना में है, केसीआर की गवर्नमेंट, प्रोग्रेसिव है कि नहीं, आप सोचो। आपको अगर कोई दिक्कत हुई इस गवर्नमेंट की तरफ से, सोचो। अगर कुछ किया गया हमारे तरफ से, राहत हमने दिया। हाँ, एक चीज हम बाकी है, आपको इंडस्ट्रियल इंसेंटिव बाकी है, मैं याद है मुझे, मैं भूला नहीं और मैं भुलक्कड़ भी नहीं हूं। इस साल बजट में मार्च में हमने पैसा लगाया था, आप देखिए एक बार बजट भी देख लीजिए, 1500 करोड़ हमने लगाया था। हमारा पूरा इंसेंटिव का पूरा एरियर्स है 2000 करोड़, तो हमने सोचा इस बार 75% क्लियर कर देते हैं जो पुराने ड्यूस है। बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना आके पूरा खत्म कर दिया, हमारा भी हाल बेहाल हो गया, जैसा आपका हो गया जैसा हमारा भी हो गया। तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो आपको मैं वोट के लिए झूठ नहीं बोलूंगा, इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं दे पाऊंगा, बट अगले फाइनेंशियल ईयर में जरूर आपका एरियर क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी। बट मेरी विनती आपसे यही है, जो गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है उसको बचाइए, उसको सेव करो, उसको 100% मदद करो। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सोशल हार्मनी अगर एक बार डिस्टर्ब हो गई हैदराबाद में, ये जो लोग आज बात करते हैं इसको गिराने की, उसको गिराने की, बॉम्ब डालने की, सर्जिकल स्ट्राइक करने की, ये कहां की बात है? सर्जिकल स्ट्राइक किस पे किया जाता है? किया जाता है शत्रु देश पे, फॉरेन कंट्री पे, या कोई एनिमी टेरिटरी पे किया जाता है, अपने देश पे नहीं किया जाता है। और दूसरी बात, वो तो कहते हैं रोहिंग्या है। हाँ यार, रोहिंग्या अगर है, मुझे नहीं पता कि है कि नहीं, अगर है, मैं पूछना चाहता हूं, आप सोचो किसकी जिम्मेदारी है यार? रक्षा मंत्री कौन है इस देश के? अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है देश में, बाहर से आ रहे हैं, रक्षा मंत्री कौन है पिछले 6 साल से? होम मिनिस्टर कौन है 6 साल से? वोटर आईडी कार्ड कौन देता है? केसीआर गवर्नमेंट थोड़ी देती है। आपका आधार कार्ड कौन देता है? हम नहीं देते हैं, आप देते हैं। देते सब कुछ आप हैं, आने देते हैं घुसपैठियों को, वो घुस जाता है अंदर, उसको कार्ड वार्ड आप देते हो और फिर जिम्मेदारी हम पे डालते हो कि भाई यहां पे ये है वो है। क्या कर रहे थे फिर 6 साल? सो रहे थे। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि जो रेटोरिक आज क्रिएट करके भावुक बना के लोगों को उकसा के प्रोवोक करके, बाकी ये छोटे छोटे जो लोकल बॉडी इलेक्शन में जो मुद्दा होना चाहिए उससे नजर आपका हटवा के आज जो कैंपेन चल रही है, भावुक ना बनो। सोचो आप, धीरे आराम से सोचो। अगर मैं गलत बोला, अब घर जाओ, दोस्तों के साथ बैठो, डिस्कस करो कि इसने, केटीआर ने ये सब कहा, गलत है कि सच है। मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूं, रेटोरिक नहीं बोल रहा हूं मैं। और मैं एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं, आज मोदी साहब ने कहा था 2014 में 2 करोड़ युवाओं को उद्योग देंगे, रोजगार क्रिएट करेंगे। 6 साल हो गए, 12 करोड़ एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था, मिला? मैं भी बोल सकता हूं कि किसी को नहीं दिया, मैं ये नहीं बोलूंगा किसी को नहीं दिया, मैं ये जरूर बोलूंगा कि कम मिला। और ये भी कहूंगा कि आपने नए रोजगार तो छोड़ो, एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर बेचना शुरू कर दिए, महारत्ना कंपनी, नवरत्ना कंपनी बेचना शुरू कर दिए, एयर इंडिया को बेच रहे थे। पूछा हमने कि एयर इंडिया को क्यों बेच रहे हो, बोले नुकसान में है। ठीक है, नुकसान है तो बेचो, ठीक है। फिर हमने पूछा भाई एलआईसी में तो फायदे में है, उसको क्यों बेच रहे हो? फिर बोलते नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एनटीपीसी डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों आप? इसलिए मैं बोल रहा हूं, मोदी साहब ने अच्छे अच्छे प्रोग्राम निकाले थे, क्लीन इंडिया, फिट इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, सिट इंडिया, स्टैंड इंडिया, बहुत है। अब नया प्रोग्राम चालू हो गया, बेचो इंडिया। इसीलिए मैं बोलता हूं, सोचो इंडिया, भावुक मत बनो, सोचो। इलेक्शन आते ही इंडिया पाकिस्तान, बिहार में इलेक्शन आ गया, वहां पे राजनाथ जी जाके भाषण दे रहे हैं, पाकिस्तान में क्या किए भाई? इलेक्शन बिहार में है, याद दिलाना चाह रहा था मैं उनको। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप सोच के वोट दे। और लोकल बॉडी इलेक्शन है, लोकल बॉडी इलेक्शन में आज बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, कल नड्डा साहब आए, आज हमारे यूपी के सीएम साहब आ रहे हैं, योगी साहब, कल अमित जी आ रहे हैं, वेलकम, नो प्रॉब्लम। ईरानी चाय हमारी बहुत ब्यूटीफुल है, बिरयानी शानदार है, आओ, कोई दिक्कत नहीं।
वेलकम डेमोक्रेसी, यू आर वेलकम टू एनी प्लेस. बोलो यार, बोलो, समझाओ हमें कि आपने किया क्या. भावुक मत बनाओ, बहकाओ मत. आप सीधा सीधा पॉइंट पे आके बोलो, 6 साल किए क्या है हैदराबाद के लिए, क्या करोगे ये बताओ. इस बात पे तो नहीं चर्चा करेंगे, फिर बोलेंगे फैमिली पार्टी. मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं, आपको भी समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए. आज बीजेपी में फैमिली नहीं क्या किसी के? कर्नाटक में मुख्यमंत्री है येदियुरप्पा, उनका लड़का एमपी है, दूसरा लड़का वहां स्टेट का बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट है. मध्य प्रदेश आप जाइए, विजय राजे जी हैं, यशोधरा जी हैं, अब ज्योतिरादित्य जुड़ गया उनके साथ. राजस्थान आप जाइए, वसुंधरा जी हैं, दुष्यंत हैं. दिल्ली आप जाइए, मेनका जी हैं, वरुण गांधी हैं. थोड़ा दूर और जाइए, राजनाथ जी है, उनका लड़का यूपी में है. क्या बीजेपी अतीत है इसके? आप ऐसे होलियर देन दैव एटीट्यूड, मैं हमारे यहां नहीं है, ऐसा थोड़ी है. अब मोदी साहब का फैमिली नहीं है, वो अलग बात है. मैं मेरा क्या है उसे यार. बट बाकी लोगों में तो आपका पार्टी में भी है. आप ऐसे बोलते हो जैसे कि आप अतीत हो, आप कोई होलियर देन दाव हो. ये एटीट्यूड ठीक नहीं है. ऐसा आप पोस्चर करके, अगर सीधा पॉइंट पे बोलने के लिए उनके पास विषय नहीं है तो ये सब गुमराह करने के लिए सब लाएंगे, फैमिली पॉलिटिक्स, ये वो फलाना ठेकाना. बात करो सीधा पॉइंट पे. तेलंगाना ने विकास में सबको पीछे छोड़ दिया है. ये मैं नहीं कह रहा हूं, पीयूष गोयल जब आते हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे आके प्रेस करके जाते हैं. स्मृति ईरानी आती है, बोलती है कि बहुत प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है आपकी. हमारे मनोहर पारिकर साहब जो लेट हैं अभी, पर ये मनोहर पारिकर जी आते हैं, बोलते हैं कि आप बहुत डायनेमिक लीडर हो. अब जब आप नॉन इलेक्शन टाइम पे आते हो तो हमारा बहुत तारीफ करते हो यार, अब इलेक्शन के टाइम पे आके गाली देते हो, ये क्या रीत है? नॉन इलेक्शन टाइम में हम अच्छे हो गए, अब खराब हो गए क्या एकदम? तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि भावुक मत बनो. मेरी रिक्वेस्ट ये है कि विकास, अगर हैदराबाद सिटी को हम बचाएंगे नहीं, हैदराबाद सिटी में अगर पीस को हम डिस्टर्ब करेंगे और करने देंगे, ऐसे तो हम किसी को करने नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो, विल नॉट बी सॉफ्ट, वी विल सर्टनली नॉट बी सॉफ्ट ऑन एनीबडी. इनफैक्ट नॉट ओनली ऑन MIM एंड बीजेपी, अगर इवन TRS का भी कोई अनशरण बोल दे और डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, उस पर भी केस लगाएंगे, उसको भी अंदर करेंगे. ये मेरी वादा है आपसे, क्योंकि हैदराबाद अगर एक बार डिस्टर्ब हो गया, इससे पहले बहुत बार हुआ है, हैदराबाद अगर एक बार डिस्टर्ब हो गया तो तेलंगाना डिस्टर्ब हो जाएगा. दैट इज माई कंसर्न. इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिटी और वन इलेक्शन. इलेक्शन तो इन 6 सालों में 10-12 इलेक्शन लड़े हैं, 10 जीते हैं, 1 हारे हैं हाल ही में एक दुबाक में. वो क्या फर्क पड़ता है, एक छोटे छोटे इधर उधर से कुछ नहीं होता है, हमारा गवर्नमेंट कोई गिरने वाला नहीं है. बट मसला वो नहीं है, समस्या वो नहीं है. समस्या ये है कि अगर हैदराबाद में अगर आप आग लगा देंगे आपके इलेक्शन के चक्कर में, बुझाएगा कौन? धंधा कैसे चलेगा? आज एप्पल आ रही है, अमेजोन आ रही है, फेसबुक आ रही है, एप्पल आ रही है, अब गूगल आ रही है, तो ऐसे ही थोड़ी आएंगे. कोई बिजनेस यहां पे लगाता है, इन्वेस्टमेंट यहां लगाता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखे बगैर लगाता है क्या कि हाल क्या है यहां पे, कैसा रहेगा माहौल? आप अगर आपके आपस के चक्कर में आप एक दूसरे के साथ भिड़ जाके पूरा पीस डिस्टर्ब करते हो, किससे किसको तकलीफ होगी इससे? अल्टीमेटली सिटी को, अल्टीमेटली जो बच्चे आते हैं यहां पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको तकलीफ होगी. तो माय रिक्वेस्ट टू यूज दिस, वी आर अ वेरी कमिटेड गवर्नमेंट, वी आर वेरी प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग. हां, मैं ये बात जरूर मानूंगा, जब तेलंगाना का एजिटेशन चल रहा था हमने भी बहुत गड़बड़ किया, हमने भी बहुत कुछ बोला. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आई एम अबव ऑल दैट, नो, वी हैव सर्टेनली सेड इट. बट आर CM हैज शोन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैच्योरिटी राइट आफ्टर वी अज्यूम्ड ऑफिस. सिंस देन टिल नाउ 6 years हैव वी डिस्टर्ब. कितने शंकाएं थे लोगों के मन में कि भाई यहां पे क्या होगा, पहले आंध्रा वालों को भगाएंगे, फिर बाकी राज्यों वालों को भगाएंगे, बोलेंगे भाई ये तो तेलंगाना राज्य है, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? ये सब नहीं बताया गया था क्या आपको? हुआ कुछ ऐसे कहीं भी? तो माई रिक्वेस्ट टू यू इज, व्हेन यू हैव अ गवर्नमेंट लाइक दिस, when you have a government that works for you, that thinks for you, that works committedly and sincerely and is making all efforts to truly make Hyderabad, you know, a global city or taking you in that right direction, my request to you is kindly support us, encourage us, and in this local election let local issues take center stage. aur maine agar national politics ke bare mein baat isliye agar kiya bhi abhi aapke samne to isliye kiya kyunki wo log yaar international actors ko la rahe hain, बिन लाडेन को ला रहे हैं, बाबर को ला रहे हैं, तो मेरे को नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में भी बोलना पड़ता है, मजबूरी है. अब अगर वो लोग इन्वोक नहीं करते तो मैं भी नहीं बोलता, मैं भी मोदी साहब के बारे में नहीं बोलता, बट क्योंकि वो लोग ला घसीट दिए उनको तो मुझे भी बोलना पड़ रहा है, मजबूरी. तो माई रिक्वेस्ट टू यू इज, लेट अस फाइट दिस ऑन अ लोकल प्लैंक, लेट अस फाइट दिस इलेक्शन
on a local, in a local mode. And my request to you is, please think. मोदी साहब डबल इंजन ग्रोथ की बात करते हैं कि दिल्ली में बिहार में एक ही सरकार हो तब भी चलेगा. मैं भी वही कह रहा हूं. स्टेट में जीएचएमसी में सेम गवर्नमेंट हो तभी चलेगा. डबल इंजन पक्का. और मोदी साहब एक और बात भी कहते हैं, वोकल फॉर लोकल. लोकल हम हैं यहां के. वो दिल्ली बॉयज है, हम गली बॉयज है. हम गली बॉयज हैं, वो दिल्ली बॉयज है. अब दिल्ली से नड्डा साहब आ रहे हैं, अमित शाह साहब आ रहे हैं, वो थोड़ी रहेंगे यहां पे, हम रहेंगे यार. वो फिर दिल्ली जाएंगे वापस, फिर रहेंगे हम. तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि गली बॉयज को चुनो. दिल्ली बॉयज को दिल्ली इलेक्शन में देखते हैं, अभी नहीं, दिल्ली के टाइम पे, दिल्ली इलेक्शन के टाइम पे उनके तरफ देखते हैं, तब सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा. बट फिलहाल तो गली इलेक्शन है, भूलना मत. और दूसरी बात, डबल इंजन याद रखना. मैंने नहीं कहा, मोदी साहब ने कहा. फिर याद दिलाता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Thank you so much for your inspiring words, sir. So, with your permission, we will now have a question answer round. If anybody from our audience wants to ask any question or raise any queries, please feel free. Yes. Hello. Dil se bhavuk se BJP hu. लेकिन आपने जो भी शब्द कहा उससे मैं मान्यता